हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए और विशेष तौर पर आम नागरिकों के लिए बड़ी हर्ष की बात है कि 14 साल बाद हमें ये मौका मिला है कि 48वीं जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं, उसका मौका जो है वो हमें मिला है। और हमारे जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट, जिनकी सिदारत में ये कार्य हो रहा है, ऐसे हमारे सिदारत जी जो कि प्रेसिडेंट हैं इस जूनियर नेशनल वॉलीबॉल जो एसोसिएशन है हमारी जम्मू कश्मीर की, उसके प्रेसिडेंट हैं। और इससे पहले दुलजा साहब थे, हम सब जानते हैं, लेकिन इनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छी ये अपनी नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप जो है वो चल रही है। और इस समय आप देख रहे हैं कि भाई फाइनल में हरियाणा और राजस्थान की टीमें आपस में भिड़ी हुई हैं, बहुत तगड़ा मुकाबला जो है वो हो रहा है और दर्शक भी बहुत आनंद ले रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि भाई सैकड़ों की संख्या में जहाँ पर जो स्पोर्ट्स प्रेमी हैं वो तो आए हुए हैं, लेकिन आम नागरिक भी इसका आनंद लेने के लिए जहाँ आए हैं। और विशेष तौर पर हमारा सौभाग्य है कि भाई हमारे बीच वसुदेवन साहब जो हैं वो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट हैं इस वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के। राजकुमार जी हैं एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं जहाँ के, और इसके साथ ही राम अवतार जी और जो सीईओ हैं, और साथ में अनिल चौधरी जी सेक्रेटरी जनरल हैं इस फेडरेशन के, सुनील कुमार जी हैं। और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर की हमारी जो स्पोर्ट्स काउंसिल है उसकी सेक्रेटरी नुसरत जी भी हमारे बीच में हैं, विजय पाल सिंह जी हैं, राज दुलवजा जी के नेतृत्व में ये सारा कार्य जो है वह हो रहा है। सिद्धार्थ जी, मैंने आपसे पहले बात कही, जो प्रेसिडेंट हैं इस एसोसिएशन के, कुलदीप मंगोत्रा जी ऑर्गेनाइज इस सबको कर रहे हैं, नंद किशोर जी और बहुत सारे जो सीनियर लीडर्स भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बता दूँगा 26 स्टेटों के स्पोर्ट्समैन जहाँ पर भाग ले रहे हैं, टीमें भाग ले रही हैं, और इसमें कुल टीमें जो हैं वो 52 हैं, जिसमें लड़के भी और लड़कियों की भी टीमें हैं। और फाइनल अब जो हरियाणा और राजस्थान का हो रहा है, और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारा जो जम्मू कश्मीर की जो टीम है उसने भी इस बार मेडल जीता है, और पहली बार जम्मू कश्मीर की टीम में भी वॉलीबॉल में मेडल जीता है और वो तीसरे स्थान पर रही है। लेकिन हम सबका ये प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में पहले स्थान पर दूसरे और दूसरे से पहले स्थान पर आए। हम सब जानते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन उनका जो ये नारा है कि भाई सब स्वस्थ रहें और सब खुश रहें, उसी को मद्देनज़र रहते हुए खेलो इंडिया के नाते भी उन्होंने तो बहुत सारा प्रोत्साहन दिया है। लेकिन मैं स्पोर्ट्स काउंसिल जो हमारी जम्मू कश्मीर की है और विशेष तौर पर हमारा जो केंद्र नेतृत्व है, हमारी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके नेतृत्व में ये सारे कार्य हो रहे हैं, अच्छा है, इससे जो नौजवान हैं उन्हें एक प्रेरणा भी मिलती है और कुछ करने की आशा भी जगती है। और नशा मुक्ति का भी एक बहुत बड़ा साधन है, इससे क्या रहता है कि जो नौजवान हैं वो व्यस्त रहते हैं और स्पर्धा हो तो उनमें भी एक चाहत रहती है कि हम भी इससे हिस्सा लें। तो बहुत अच्छी चैंपियनशिप जो है वो जहाँ पर हो रही है, जिसका आनंद पूरे जम्मू कश्मीर के लोग रहे। बहुत अच्छा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तमिलनाडु ब्रॉन्ज मेडल विनर इन 48 जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप। एंड नाउ इन बॉयज सेक्शन जेएनके बॉयज प्लेयर हिस्ट्री ब्रॉन्ज मेडल गोज टू जम्मू एंड कश्मीर मिस्टर मनोज चौधरी हु इज द कैप्टन ऑफ जेएनके वॉलीबॉल टीम इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर। रेड कोट मिस्टर नरेश कुमार एंड रमेश तारिक। Our boys won up third place. बैठ जाओ। इसी के साथ आज के हमारे जो मैच हैं, हरियाणा टीम ने
48 जूनियर नेशनल का टाइटल अपने नाम लिया। जम्मू एंड कश्मीर वॉलीबॉल टीम ने बहुत ही अच्छा अपना प्रदर्शन दिखाते हुए इनके कोच मिस्टर नरेश कुमार और रमेश तारिक जिन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया टीम को यहां पर पहुंचाने के लिए ब्रॉन्ज मेडलिस्ट टीम इन 48 जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जम्मू एंड कश्मीर। यार एक ग्रुप अच्छा नहीं बना हुआ। चलो कोई बात नहीं, हाथ में पकड़ लो भैया, विक्ट्री सर, ट्रॉफी थोड़ी नीचे करना जी। गिल साहब सामने जी, सर सामने बस जी। हेलो जे एंड के बॉयज आफ्टर विनिंग थर्ड प्लेस ग्रेट अचीवमेंट बाय जम्मू एंड कश्मीर, वेल डन बॉयज। Now I request all the officials over engaged. Now I request silver medalist team please come on dice. Saans andar kar lo, saans. Yes. गर्ल सेक्शन में जो सिल्वर मेडलिस्ट टीम है वो प्लीज यहाँ जज के पास लाइन अप हो जाए। गर्ल सेक्शन वेस्ट बंगाल टीम प्लीज लाइन अप हो जाए। वेस्ट बंगाल गर्ल्स टीम सिल्वर मेडलिस्ट वेस्ट बंगाल इन गर्ल्स सेक्शन प्लीज कम ऑन डाइस। नाउ इन गर्ल्स सेक्शन silver medal goes to West Bengal team, please come in. दिन बढ़ता जा रहा है, कारण यह है कि सुविधाएं भी मिलती जा रही हैं और इनकम लेवल बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्लेयर भी उत्साहित है और सरकार द्वारा भी पूरा सहयोग जो है वो प्लेयर्स को दिया जा रहा है, टीम को दिया जा रहा है, जो बेसिक सुविधाएं प्लेयर्स को वेस्ट बंगाल इन गर्ल्स सेक्शन। आई रिक्वेस्ट राजस्थान टीम इन बॉयज सेक्शन, राजस्थान टीम, राजस्थान टीम इन बॉयज सेक्शन प्लीज कम टू डाइस। राजस्थान बॉयज टीम Yeah!
राजस्थान बॉयज टीम दिस साइड आप पीछे हो जाओ सिल्वर मेडलिस्ट इन गर्ल्स सेक्शन वेस्ट बंगाल बहुत अच्छा प्रदर्शन वेस्ट बंगाल गर्ल्स टीम का And now boys section Rajasthan silver medalist Rajasthan team junior national volleyball championship second place goes to Rajasthan in boys section and now I request both the winner teams in boys and girls section please come Haryana and Rajasthan girls team Rajasthan girls team And now Junior National Volleyball Championship. अच्छा
ਬੜਾ ਜਗ ਨੇ ਜੀ ਆਈ And now the winner of 48 Junior National Volleyball Championship in boys section, Team Haryana. Haryana team won the title 48 Junior National Volleyball Championship. Gold medalist team Haryana. बीच में जाके आराम से खींचना कुर्ती। आप भी कर लेना कोई नहीं। गोल्ड मेडल गोज टू हरियाणा, सिल्वर मेडल गोज टू राजस्थान and bronze medal goes to Hosi, Jammu and Kashmir. आराम से बैठो भैया, भाई जल्दबाजी कोई नहीं करना, ठीक है आराम से भैया। भैया हेलो हेलो, इसके दम ला रहे यार, ये नहीं आएगी बेचारे। सर 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 पीछे बैठोगे सर, नीचे करो नीचे करो, अभी नीचे करो, कट जाएगी। हां जी महाराज, ऐसे भैया थोड़ा आराम से भाई ला रहे कितना फायदा है। यार राज का बात है बाल, ये छोटे सामने सर, वेट वेट एक एक वेट करना, वेट करना अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय राम अवतार जाखड़ साहब को के अपने ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट को वो मोमेंटो जनाब राम अवतार जाखड़ साहब, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा साहब को मुझे दिया जा रहा है 48 वॉलीबॉल चैंपियनशिप भाई सिद्धार्थ था, और वो हमारे पैटर्न भी है चलिया ना, मैं तो देख देख में उनके ओवरऑल भैया हम देखो कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर में ऐसा भव्य महाकुंभ किया जाए, और आज उस कुंभ की समाप्ति है। सभी स्टेट सभी यूनियन टेरिटरी जिन्होंने इसमें योगदान दिया महाकुंभ को सफल बनाने का बहुत बहुत आभार। अभी और ऑफिसर who are yet to get to be awarded, I request them to be on diet, please. Now I request sir sir ji samne ji ji roshan roshan oye intezar बैकबोन एक वेरी गुड,